तो कुछ ऐसी साउंड है केटीएम आरसी की। फैनी लॉकडाउन खत्म हो चुका है, आज हम करने जा रहे हैं अपनी केटीएम आरसी को स्टार्ट। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का सीन ये है कि आज मैं अपनी केटीएम आरसी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो देखते हैं स्टार्ट होती है या नहीं होती, क्योंकि पिछले साल तो वो स्टार्ट नहीं हुई थी, पिछले साल वो बिल्कुल बंद हो गई थी। तो आज देखते हैं इस साल की स्टार्ट होती है या नहीं होती, अगर होती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती तो फिर हम उसको करते हैं किसी बैटरी से चार्ज और करते हैं स्टार्ट। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो गाइस, ये रही अपनी केटीएम आरसी और ये रही अपनी बुलेट, तो देखते हैं स्टार्ट होती है या नहीं होती। तो ये है गाइस अपनी KTM RC 2020 BS6। तो गाइस करते हैं अब स्टार्ट, कर दिया मैंने किल स्विच और ये हो गई स्टार्ट, वो भी एक सेल्फ में। मेरे को लग नहीं रहा था ये स्टार्ट होगी, देख लो गाइस टेम्परेचर बिल्कुल ज़ीरो है, भाई आपको लगे मैंने पहले स्टार्ट कर रखी है, नहीं टेम्परेचर ज़ीरो है, एक सेल्फ में स्टार्ट हो गई इतने महीनों के बाद भी। अब होने देते हैं इसे थोड़ा गर्म, तो कुछ ऐसी साउंड है केटीएम आरसी की, यहाँ से मैं सुनाता हूँ आपको। तो बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि KTM RC की बैटरी कहाँ होती है और वो कैसे खुलती है, तो KTM RC की बैटरी होती है आगे, वो बाकी बाइकों से थोड़ी अलग होती है। तो आपको करना क्या है बेसिकली, इसकी बैटरी खोलने के लिए आपको यहाँ लगानी है की, सीट खोलनी है और सीट के नीचे आपको ऐसी दिखेगी वायर और उसे करना है पुल। तो आपने आवाज़ सुनी होगी, ये बैटरी खुलने की थी आवाज़, कवर खुलने की मतलब। तो ये होती है इसकी बैटरी, यहाँ होती है इसकी बैटरी। तो गाइस यही थी आज की वीडियो छोटी सी, मुझे लगा नहीं था कि ये स्टार्ट हो जाएगी, मुझे लगा स्टार्ट नहीं होगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि KTM RC की बैटरी कहाँ होती है और उसे अगर वो कभी बंद हो जाए तो उसको कैसे चार्ज करना है और कैसे स्टार्ट करनी है। तो कोई नहीं, आज की वीडियो को करते हैं यही ख़त्म, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बढ़िया सी वीडियो में। लगे है मेरी बातों के नोट्स और फर्र लगे है मेरी बातों के बारिश में गलने लगे है, करूं जो भी मन करे शब्दों से बंद करे मुंह खोले हाथ ऊपर नीचे देखो।